Hello and good morning all of you. Welcome to Alpha S Academy and we are at the lecture number 13 of the Science and Tech series. Now today we shall be completing the physics part. Now there were n number of things. We might have left some topics, but then what we thought is that we should wind it up and then we have to do other things also. The basic physics aaj khatam ho jayegi. Phir bhi kabhi aapko koi topic lagta hai ki humne complete nahi kiya ya aapko samajhne mein koi dikkat aa rahi hai, to mujhe aap batayega. हम आपको जरूर समझाने की कोशिश करेंगे. एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. एंड लेट्स बिगिन फॉर द डे. दो ही टॉपिक करेंगे, छोटा सा लेक्चर रहेगा, कुछ 5-10 मिनट का. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और हमारी आइज. देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है. देखो रिफ्लेक्शन एक तो होता है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन होता है कि वापस आ जाना. रिफ्रैक्शन क्या होता है. रिफ्रैक्शन होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट. जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट क्या होती है, बेंड होती है. लेकिन एक स्पेशल केस होता है अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा. क्रिटिकल एंगल क्या होता है, किस हर मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल होता है. मान लिया ये क्रिटिकल एंगल है, ठीक है. अगर वो उससे ज्यादा, वैसे तो लाइट जो है मैक्सिमम इसके अंदर से ही जाती है, ये रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है, रिफ्रैक्ट होगी. अगर ये, अगर मैं आपको दिखाऊं, इनकी निब चेंज करते हैं, ठीक है. ये अगर इसका क्रिटिकल एंगल है और लाइट कुछ अगर, तो इसके अंदर से है तब तो रिफ्लेक्ट होगी. बाई चांस इसके बाहर से इससे बड़ा एंगल हो गया लाइट का तो ये वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है. उसी को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है यार. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं. देखो एक चीज़ होती है आपकी, ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपका नॉर्मल है, ठीक है. फिजिक्स वाले बच्चों को पता होगा ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. ऐसे ही जैसे ये नॉर्मल था, इंसिडेंट रे थी, रिफ्लेक्टेड रे थी इसमें, ठीक है. तो रिफ्लेक्शन में क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी और रिफ्रैक्शन में क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी. तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है कि ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है. ये सेम प्लेन मतलब अगर ये प्लेन है तो इस प्लेन में होगा. मान लिया प्लेन ऐसा है आपका, प्लेन मतलब कोई भी आप सतह मान लो, ठीक है. अब वो प्लेन का कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स में होता है, जो बच्चे मैथमेटिक्स से नहीं होंगे उनको प्लेन का मतलब नहीं होगा. प्लेन हो गया आप एक, मतलब सिंपल मान लो कि एक सतह है, उस सतह पे तीनों होंगे, ऐसे नहीं कि अलग अलग डायमेंशन में होंगे, उसी पे होंगे वो, ठीक है. अब दूसरा क्या है कि ये आपका आई है, ये आपका आर है, तो ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दूसरा क्या बोलता है कि साइन आई और साइन आर का रेशियो, साइन आर का जो रेशियो है किसी भी दो मीडियम के लिए, किसी भी दो मीडियम के लिए जिससे वो जा रहा है वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है. ये ठीक है, ये कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है. अब एक चीज आती है टिंडल इफेक्ट. देखो लाइट के बारे में दो तीन चीजें हम और जान लेते हैं. लाइट जो है सबसे तेज जो ट्रेवल करती है, फास्टेस्ट, वो ट्रेवल करती है वैक्यूम में, उसके बाद एयर में, उसके बाद वाटर में या लिक्विड्स में, फाइनली वो आपके सॉलिड्स में. जैसे साउंड का उल्टा था, साउंड जो सॉलिड्स थी उसमें ज्यादा जल्दी तेज ट्रेवल करती थी, बट लाइट का उल्टा है. अब एक चीज होती है टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट समझने से पहले आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझनी पड़ेगी. आप स्कैटरिंग ऑफ लाइट को कैसे समझ सकते हैं, आपको जो आसमान, अब आसमान का कोई कलर है नहीं वैसे, जो आसमान का आपको कलर दिखता है ब्लू, ठीक है, और जब सनराइज या सनसेट होता है तो आपको कैसे दिखता है, रेडिश कलर का, रेड, ठीक है. ये दोनों किसकी वजह से होते हैं, आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है. किसकी वजह से होते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से. और जो ये फिनोमिना होता है कि ब्लू लाइट स्कैटर होती है, क्योंकि ब्लू लाइट जल्दी से स्कैटर हो जाती है, धूल धुलक्कर जो होते हैं, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उससे, इसलिए हमें ब्लू दिखता है. और जब सूर्य उगता है या नीचे जाता है तो उस टाइम लाइट की, रेड लाइट की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि रेड की हमने आपको बताया था ना वेव गियर में ऐसे क्या हो रहा था, वेव लेंथ इंक्रीज हो रही थी, और उल्टे में क्या हो रहा था, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही थी. तो रेड की
जो वेवलेंथ थी वो सबसे ज्यादा है, इसलिए जो साइन बोर्ड्स पेंट किए जाते हैं वो रेड पेंट से किए जाते हैं, क्योंकि वो दूर से ही दिख जाते हैं, उनकी वेवलेंथ बहुत दूर तक रहती है, वो दूर से ही दिख जाते हैं, इसलिए वो रेड पेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो जो ये फिनोमिना होता है ना आपका ब्लू और सनराइज का रेडिश दिखना, इसी को टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। देखो तो वैसे तो होता क्या है कि विबग्योर में वी सबसे पहले है, उसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग तो वैसे इसकी होती है टेक्निकली, बट देन होता क्या है कि हमारी आइस को, अभी हम आगे आइस पर, हमारे आइस को जो है ब्लू कलर ज्यादा परसेप्टिव परसेप्टेबल है, ज्यादा दिखता है। ठीक है, और आसानी से दिखता है, तो हमें जो है स्काई ब्लू दिखता है। अब बात करें ह्यूमन आई की, ह्यूमन आई के पार्ट्स पढ़ लेते हैं। देखो पार्ट्स पढ़ लेते हैं, तो शुरू से पढ़ते हैं, जो ये व्हाइट पार्ट है, ठीक है, जो व्हाइट पार्ट है आपका सबसे आगे, ये जो है बेसिकली आपको किसी भी, ये बहुत हार्ड होता है और ये किसी भी एक्सीडेंट से आपको बचाने के लिए होता है। ठीक है, जो आपका व्हाइट पार्ट होता है पूरा, मतलब ये जो, ये पूरा जो व्हाइट पार्ट है ये बेसिकली थोड़ा सा टफ, अंदर वाले आई से ज्यादा टफ होता है, ये आपकी किसी भी चीज से बचाने के लिए होता है। अब जो ये सबसे आगे होता है ट्रांसपेरेंट, जो हमारे जो आईज अगर आप देखेंगे तो आपको ट्रांसपेरेंट वो दिखेगा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होगा आपका, ट्रांसपेरेंट वाला पार्ट, ठीक है, जो आपकी ट्रांसपेरेंट कोटिंग है। ठीक है, अब कॉर्निया के पीछे आयरिस होती है, कॉर्निया के पीछे आप ये आपकी जो ब्लू सा आप देख पा रहे हैं, मार्क कर रहा हूँ, इसको आयरिस बोलते हैं। आयरिस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये हमारी आइज को कलर देती है, हमारे आइज को जो हम ब्लू रेड दिखते हैं ना, हमारे आइज को कलर दिखती है। ठीक है, अब ये आइज की एक ओपनिंग होती है पीछे, ठीक है, आइज की एक ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं प्यूपल। ठीक है, आइज की एक ओपनिंग पीछे जाके वो ओपन हो जाती है, उसको बोलते हैं प्यूपल। प्यूपल क्या करती है, जो लाइट एंटर हो रही है उसे मैनेज करती है, कि कितनी ज्यादा लाइट भी ना चले जाए आपके अंदर, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो कितनी लाइट एंटर हो रही है आइस के अंदर, उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, अब ये प्यूपल के पीछे ही हमारा लेंस होता है, ठीक है, लेंस होता है उसको, और हमारे आइज में कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, क्योंकि वो उसको इमेज, अब इतनी बड़ा भाई मेरे आगे तो इतनी बड़ी चीज है, ठीक है, अब मुझे इसको एक आइज में से लाना भी तो है, तो उसे एकत्रित करना है, तो मेरे पीछे कौन सा होगा, आइज में कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जो इमेज जो हमारी बनती है वो एक्चुअली रेटिना पे बनती है। ठीक है, हमारी जो इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है, ठीक है, रेटिना पे फोकस करती है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस पे पूरी इमेज लाइट पड़ी और वो पूरी की पूरी इमेज जो है आपकी रेटिना पे फोकस कर देती है। ठीक है, रेटिना के अंदर दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड सेल्स, एक होते हैं कॉन सेल्स। रॉड सेल्स जो होते हैं वो आपके डिम लाइट के लिए होते हैं, कि डिम लाइट में आपको दिख जाए, और कौन सेल्स जो हैं आपके ब्राइट लाइट के लिए होते हैं। ठीक है, अब जब रेटिना पे इमेज बनती है, इमेज के बाद जो है वो पीछे भेजती है, और पीछे ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ब्रेन में जाती है, ब्रेन आपको उस इमेज को अपने हिसाब से परसीव करता है, ठीक है, प्रोसेस करता है। अब बात करें साइट डिसऑर्डर्स की, दो सबसे कॉमन है आपको पता है, वैसे तो चार हैं, तो दो सबसे कम कॉमन कौन से हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया भाई, मायोपिया क्या है, मायोपिया वर्ड ये क्या है, छोटा वर्ड है, तो इसका मतलब होगा शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। अब देखिए ट्रिक देखिए कि शॉर्ट मतलब शॉर्ट साइटेडनेस है, लेकिन हो क्या रहा है, शॉर्ट साइटेडनेस नहीं होगी आपको, आपको दिखेगा दूर का नहीं, ठीक है, तो आपको यू कांट सी फार ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अब मायोपिया वर्ड छोटा है, कौन सी बीमारी होगी आपको, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होगा, उल्टा होगा, उल्टा क्या होगा कि आपको दूर का नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया वर्ड बड़ा है, मतलब लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब आपको पास का नहीं दिखेगा। ठीक है, तो जो बच्चे बुक्स पढ़ने में दिक्कत होती है उनको हाइपर मेट्रोपिया होता है, और जो ब्लैक बोर्ड बच्चे पीछे बैठे होते हैं उनको, जिनको ब्लैक बोर्ड पढ़ने में दिक्कत होती है उनको मायोपिया होते हैं, मायोपिया ज्यादा कॉमन होता है। हाइपर मेट्रोपिया जो आप एडल्ट हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, तब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा दो चीजें और होती है, एक होता है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में क्या होता है एक्चुअली, कि आईज जो होती है, क्योंकि इमेज की फोकल लेंथ एडजस्ट करनी पड़ती है इमेज को सही बनाने के लिए, इमेज की जो फोकल लेंथ है उसको सही करना है आइस को, उसकी सही इमेज बनाने के लिए, तब
प्रेस बायोपिया में ये फोकल लेंथ सही नहीं हो पाती, तो प्रेस बायोपिया वाले जो बंदे होते हैं वो बाई फोकल लेंस इस्तेमाल करते हैं, बाई फोकल लेंस इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब मायोपिया में कौन सा इस्तेमाल करते हैं लोग, कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस, क्योंकि देखो मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, तो देखो और एक चीज और याद रखना, जब आप दूर का देखते हो तो आपकी आईज ऊपर रहती हैं, ठीक है, और जब आप नीचे का पढ़ोगे, बुक पढ़ोगे ऐसे, तो आपकी आईज नीचे हो जाएंगी। तो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्रेस बायोपिया में बाइफोकल चाहिए तो ऊपर कॉनकेव लगेगा, नीचे कॉन्वेक्स लगेगा, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस चाहिए होता है, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया में दोनों ही दिक्कत होती है आपको, तो जो आपका लेंस होता है बेसिकली, ये आपको चश्मे का फ्रेम मान लो, तो नीचे ऐसे करके यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है बुक पढ़ने के लिए, और ऊपर जो है कॉनकेव लेंस लगाया जाता है, ठीक है। अब एक और चीज होती है, उसको बोलते हैं एस्टिक मेटिज्म, ठीक है, एस्टिक मेटिज्म। देखो एस्टिक मेटिज्म क्या होता है कि आपकी जो कॉर्निया, कॉर्निया का जो शेप होता है बेसिकली वो स्पेरिकल होता है। एस्टिगमेटिज्म जिसको होता है, उसी कॉर्निया का शेप जो होता है थोड़ा डिस्टॉर्टेड रहता है, वो स्पेरिकल नहीं होता। तो क्या होता है कि कर्वेचर की दिक्कत आती है लोगों को, ठीक है। तो इसमें जो है यूज किया जाता है सिलेंड्रिकल लेंस, जो इमेज का कर्वेचर होता है, ज्यादा अंदर की जरूरत नहीं है, इमेज का जो कर्वेचर होता है वो डिस्टॉर्टेड आता है, तो उसको कर्वेचर को हमें ठीक करना है, तो उसके लिए हमें सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ऑफ एप्रोप्रिएट, सिलेंड्रिकल लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट, आपका क्या खराब है, कर्वेचर, ऑफ डिजायर्ड कर्वेचर या एप्रोप्रिएट कर्वेचर, ठीक है। तो ये थी बात एस्टिगमेटिज्म की, और ये थी बात डिसऑर्डर्स की, ठीक है। अब एक और चीज होती है, एक होता है परसिस्टेंस ऑफ विजन। देखो परसिस्टेंस ऑफ विजन का मतलब होता है कि एक इमेज भाई मैंने देखा, ठीक है, आप जो ऐसे लड़की को देख के एकदम आंखें छुपा लेते हैं ना, वो क्या होता है, एक जो इमेज है वो 1/1 सेकेंड के 16वें पार्ट तक रहती है, मतलब 1/16 सेकेंड तक रहती है, उसके बाद वो हट जाती है हमारी आईज से। तो आपने कुछ देखा, वो 1 सेकेंड के 16वें पार्ट तक रहेगी और उसके बाद वो हट जाती है। इसलिए जब पिक्चरें बनाई जाती है ना, तो उसमें 1 सेकेंड में 16 पिक्चर्स होती हैं, ठीक है, या मेरे ख्याल से उसको FPS भी बोलते हैं, 16 FPS जिसको बोलते हैं, फ्रेम पर सेकेंड, कि 1 सेकेंड में आपको 16 इमेज दिखेंगी। तो वो आपको कैसे दिखता है कि वो वीडियो में दिख जाता है, वो एक्चुअली होती इमेजेस ही हैं, ठीक है, लेकिन उसको 16 FPS से चलाया जाता है तो वो आपको वीडियो दिखती है, ठीक है। या आप मतलब ऐसे जनरल ट्रिविया बता रहा हूँ कि 16 इमेजेस दिखती हैं आपको 1 सेकेंड में, तो वो आपको वीडियो दिखाई देने लगती है। पिक्चरों में 16 इमेजेस पर सेकेंड देखते हैं आप, क्योंकि हमारी जो परसिस्टेंट ऑफ विजन है वो 1/16 है, ठीक है, 1 सेकेंड का 16वें भाग तक ही हम एक इमेज रहती है, उसके बाद वो हट जाती है, ठीक है। तो ये थी बात फिजिक्स की। नेक्स्ट क्लास से हम लोग आपका केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, और आपको कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 8630711706, एंड टेक टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।